हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 20 ऐसे वर्ड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी क्लास। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का पहला जो वर्ड है वो है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस कभी भी है, इसका मतलब आप समझ लेना पक्षपात की बात हो रही है, यानी किसी एक का फेवर लेना। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम पार्शियलिटी कर रहे हो, तो प्रीजुडिस का सेम मतलब है। कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है फेवर, या जिसको हम पक्षपात करना कहते हैं। किसी का भी फेवर लेना, किसी का भी एक तरफा पक्षपात करना प्रीजुडिस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्फेडरेट। कन्फेडरेशन आपने सुना होगा, जिसको हम संघ कहते हैं। कन्फेडरेट का मतलब एसोशिएट, पार्टनर, या आप जिसको बोलते हैं हेल्पर, या जिसको आप सहायक बोलते हो वो होता है। कन्फेडरेट का मतलब क्या है, जिसको आप एसोशिएट कह सकते हैं। एज अ नाउन जब हम इसको यूज़ करेंगे तब की मैं बात कर रही हूँ। एसोशिएट या तो पार्टनर कह सकते हैं, या अकम्प्लाइस कह सकते हैं, जिसको हम सहायक या साथी कहते हैं। तो याद रखना, कन्फेडरेट एज अ नाउन जब हम यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सहायक या जिसको साथी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लोक। क्लोक वर्ड का मतलब छुपाना, हाइड करना, कंसील करना, किसी भी चीज़ को कवर कर लेना। क्लोक क्या कहलाता है, छुपाना जो चीज़ें हिडन हो, सीक्रेट हो, या किसी भी चीज़ को कंसील करना, जिसको हम छुपाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या वर्ड है, सब्सटेंटिएट। सब्सटेंटिएट वर्ड का मतलब क्या होता है, कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब है आप किसी भी चीज़ को कंफर्म करना, अप्रूव करना, या उसको प्रूव कर देना, किसी भी चीज़ को साबित करना, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्म, प्रूव या अप्रूव करना, जिसको हम वेरीफाई करना भी कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपने कोई चीज़ बोली, किसी ने आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ ये बात पक्का है, बिल्कुल जो चीज़ साबित हो गई, तो वही होता है सब्सटेंटिएट, इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसका मतलब है साबित करना। नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व्ड। रिजर्व नेचर का इंसान, जो काफ़ी शर्मीला हो, शाय नेचर का हो, आप कॉय बोल सकते हो। रिजर्व्ड होना क्या होता है, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, काफ़ी अकेले में रहना, शर्मीला स्वभाव रिजर्व नेचर कहलाता है, जिसको हम शाय भी कह सकते हैं एंड कॉय भी कह सकते हैं, और हिंदी में शर्मीला भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिड्यूस करना। सिड्यूस करना आपने बहुत सुना होगा। सिड्यूस मतलब होता है एल्यूर, एंटाइस, अट्रैक्ट, अपनी तरफ प्रलोभित करना या लालच दे के अपनी तरफ आकर्षित करना, सिड्यूस करना कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्योर, एंटाइस, अट्रैक्ट, जिसको हम कहते हैं आकर्षित करना, या तो लालच देना, या तो प्रलोभित करना। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग वर्ड का मतलब होता है बदबूदार, जो चीज़ें फाउल हो, फेटिड हो, उसको हम स्टिंकिंग कहते हैं। ऑर्डर मतलब बुरा, कोई ऐसी बुरी स्मेल या गंदगी, हम स्टिंकिंग को कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फाउल या तो फेटिड बोलते हैं, जिसको हम बदबूदार बोलते हैं और गंदा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओवरस्टेट करना। किसी भी चीज़ को बढ़ाना चढ़ाना ओवरस्टेट कहलाता है, मैग्नीफाई करना, एक्सएग्रेट करना, किसी चीज़ को बहुत इनलार्ज कर देना ओवरस्टेट कहलाता है। कभी भी आए ओवरस्टेट, इसका मतलब होता है एक्सएग्रेट, या जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाना चढ़ाना, इनलार्ज करना भी कहते हैं। ठीक है, या तो मैग्नीफाई कह लो, हिंदी में बढ़ाना चढ़ाना कहते हैं। नेक्स्ट है स्प्यू। स्प्यू मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड, इजेक्ट, एक्सपेल करना, निकाल देना। एग्जांपल से, आपके लैपटॉप में, आपके सीपीयू में एक बटन होता है जिसको प्रेस करने पर सीडी की ड्राइव निकल आती है, तो इजेक्ट करने का वहाँ पे ऑप्शन होता है। इजेक्ट मतलब बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना, वही स्प्यू होता है, जिसको हम इजेक्ट कहते हैं, या एक्सपेल कहते हैं, जिसको हम बाहर फेंकना कहते हैं। नेक्स्ट है इनंडेशन। इनंडेशन बाढ़ को कहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का ओवरफ्लो होना, फ्लड जिसको हम बोलते हैं बाढ़ को, इनंडेशन भी सेम मतलब है, जिसको हम फ्लड कहते हैं या ओवरफ्लो कहते हैं, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है मेलो। मेलो मतलब मधुर, स्वीट, मेलोडियस, आपने सुना होगा कि बहुत स्वीट साउंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा मेलोफियस है, यानी बहुत ज़्यादा मधुर है, सुरीला है, तो मेलो का मतलब भी वही होता है, जिसको हम स्वीट कहते हैं एंड मेलोडियस कहते हैं।
जिसको हम मधुर भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट अभाव, कमी, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का कमी हो जाना डेस्टिट्यूट कहलाता है। गरीबी को भी कहते हैं, पुअर भी बोलते हैं, निडी भी बोलते हैं, स्कार्सिटी भी बोलते हैं डेस्टिट्यूट का मतलब। ठीक है, डेस्टिट्यूट मतलब गरीबी भी होता है, पुअर, निडी या एक्सट्रीम स्कार्सिटी होता है जिसको हम गरीबी बोलते हैं या तो अभाव बोलते हैं किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट है ब्लूम। आपने सुना होगा ब्लूमिंग सीज़न आ गया, जिसमें हम फूलों का खिलना, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि फूलना, खिलना, इन सब चीज़ को ब्लूम कहते हैं, जिसको ब्लॉसम कहते हैं, फ्लरिश करना कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉसम या तो फ्लरिश, जिसको हम कहते हैं फूलों का, जैसे होते हैं ना फूलना या फिर खिलना। देखो आगे के वर्ड्स क्या है, परसिस्टेंट वर्ड है। परसिस्टेंट मतलब होता है जैसे आप जिद्दी समझते हैं, बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव का होना, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, आप बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट नेचर का, परसिस्टेंट कहते हैं, हठी, अड़ियल जिसको बोलते हैं। तो परसिस्टेंट मतलब होता है ऑब्स्टिनेट, या जिसको हम स्टबर्न कहते हैं, जिसको हठी कहते हैं या अड़ियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस होना यानी जो चीज़ें इलॉजिकल है या जिसको हम बोलते हैं बेतुकी सी है, बेकार सी है, जिसको इलॉजिकल है, इरेशनल है, वो सुपरस्टिशियस कहलाता है। ठीक है, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है इलॉजिकल, इरेशनल, जिसको हम बेतुका कहते हैं, या आप जो चीज़ें तर्क संगत ना हो उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट नेचर का, जैसे आपने सुना होगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो शर्मीले होते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। एक्सट्रोवर्ट उसके अपोजिट होते हैं, जो मिलनसार होते हैं, सोशिएबल होते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है सोशिएबल, या तो सिर्फ सोशल भी बोल दो, जिसका मतलब होता है मिलनसार या तो सामाजिक होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्लॉथ। स्लॉथ वर्ड का मतलब आलसी होता है, जिसको हम यूजली लेजी बोलते हैं, आइडल बोलते हैं, इनएक्टिव बोलते हैं, जिसको हम लेजी बोलते हैं, आइडल बोलते हैं, आराम से आप इसको आलसी बोल सकते हैं। रिप्लीट। रिप्लीट मतलब परिपूर्ण, जो चीज़ें भरी हुई होती है, फिल्ड हो पूरी तरीके से, उसको हम रिप्लीट करना कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें लोडेड हो, फिल्ड हो, भरी हुई हो, उसको हम रिप्लीट कहते हैं। नेक्स्ट है डोलोरस। अब आपने एक दवाई सुनी होगी डोलो। डोलो दवाई कब खाते हैं, जब आप दुखी हो, बुखार से परेशान हो, तो डोलो खाते हैं। तो डोलोरस का मतलब वही होता है, दुखी, उदास होना, मॉर्नफुल, सैड, या फिर जिसको आप बोल सकते हो बीमारी वाली हो स्थिति, उसको बोलते हैं। मॉर्नफुल या डोलफुल बोल सकते हो। यानी उदासी या तो परेशानी। नेक्स्ट है होल वर्ड। होल वर्ड से तो आप लोग बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। अगर मैं इस W को हटा दूं तो इस होल का मतलब छेद हो गया, अगर मैं इस W को लगा दूं तो इसका मतलब इंटायर हो गया या तो कंप्लीट हो गया, जिसको हम बोलते हैं पूर्णतः। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।